बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने लगे हैं आलू वाले पराठे एक नए अंदाज से, जिसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। 4 कप मैंने आटा लिया है, 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करते हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है जिसको इस तरीके से क्रश करके हम इसमें शामिल करते हैं। 1/2 कप मैंने फ्रेश मेथी ली थी जिसके मैंने लीव्स उतार के इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, ये इसमें शामिल करते हैं। हमने तैयार कर लिया, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, उतनी देर आलूओं का मिक्सचर जो है वो तैयार करते हैं। आलू हमने मैश कर लिए, नमक शामिल करते हैं, सुरख मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 7 से 8 अदद क्रश की हुई हरी मिर्चें, खुश्क कसूरी मेथी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। आलू का मिक्सचर हमने तैयार कर लिया, पराठे तैयार करते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको रोल करके पूरा हमने आलूओं के मिक्सचर को अंदर कवर कर दिया। डबल फ्लेवर के साथ बहुत मजे के पराठे लगते हैं ये। चलें जी, रोटी हमने तैयार कर लिया, अब इसको तवे पर डालते हैं। अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने तक हमने दोनों साइडों पर पका लेना है। मेरे दोनों साइडों से अच्छा क्रिस्पी पराठा तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा से डबल फ्लेवर के साथ हमारा आलू वाला पराठा जो तैयार है, बहुत क्रिस्पी मज़ेदार तैयार हुआ है। मेथी की खुशबू भी आ रही है, धनिया पुदीने की भी आ रही है। इसी तरीके से आप तैयार करें और नाश्ते में इसको खाएँ और अपनी फैमिली को और सबको इंजॉय करवाएँ। दही के साथ इसको सर्व करें और इसको इंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।